तो ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट जो है यहां पे मैंने ऑलरेडी रिटर्न किए हुए हैं छह लॉज यहां पे पढ़ने हैं और यही का यही चैप्टर स्टैंडर्ड एट के अंदर आता है जिसमें दो लॉज और आपको पढ़ने होंगे ठीक है चलो सो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में फर्स्ट लॉ है कि ए रेस टू एम मल्टीप्लाई ए रेस टू एन इज इक्वल टू ए रेस टू एम प्लस एन क्या कहता है ये रूल कि अगर दोनों का बेस सेम है ये देखो बेस मतलब ये नीचे वाला नंबर अगर दोनों का बेस सेम होता है और बीच में मल्टीप्लाई की साइन हो ना तो हम यहां पे पावर जो है उसका क्या कर देंगे प्लस फॉर एग्जांपल टू रेस्ट टू थ्री एंड टू रेस्ट टू टू अब देख सकते हो स्टूडेंट्स यहां पे दोनों का बेस देखो क्या है सेम है ना भाई तो बेस सेम हो तो एक बार बेस लिखेंगे और ये जो पावर है ना इसका क्या कर देंगे प्लस लेकिन कब करेंगे प्लस जब बीच में मल्टीप्लाई की साइन हो तब तो टू रेस्ट टू फाइव इज इट क्लियर सो ये फर्स्ट लॉ कहता है कि बेस अगर सेम है बीच में साइन मल्टीप्लीकेशन की है तो पावर का क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा भाई क्लियर ओके चलो सेकेंड रूल है a raised to m divided by a raised to n is equal to a raised to m minus n. अगर दोनों का बेस सेम है और बीच में डिवाइड की साइन है भाई तो पावर का क्या हो जाएगा माइनस फॉर एग्जाम्पल टू रेस टू फाइव डिवाइडेड बाय टू रेस टू थ्री अब देख सकते हो दोनों का बेस कैसा है भाई सेम है बीच में साइन डिवाइड की है तो पावर जो है ना उसका क्या हो जाएगा माइनस लेकिन कैसे लिखेंगे एक बार बेस लिखेंगे और ये जो पावर है उसका क्या कर देंगे माइनस तो टू रेस टू टू क्लियर नाउ द थर्ड रूल दैट इज ए रेस टू एम रेस टू एन पावर की भी पावर है तो जब भी पावर की भी पावर आती है तो हम दोनों पावर का क्या कर देंगे मल्टीप्लीकेशन फॉर एग्जाम्पल टू रेस टू थ्री रेस टू फोर तो टू रेस टू थ्री रेस टू फोर मतलब पावर की बी पावर तो क्या करेंगे मल्टीप्लीकेशन so, क्या लिखेंगे टू रेस टू थ्री मल्टीप्लाई फोर यानी टू रेस टू ट्वेल्व क्लियर सो ये हमारा है थर्ड नंबर का रूल फोर्थ रूल दैट इज ए रेस टू जीरो इक्वल्स टू वन मतलब कोई भी नंबर की जीरो पावर हो तो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा वन आएगा स्टूडेंट्स फॉर एग्जाम्पल फाइव रेस्टू जीरो आंसर क्या मिलेगा वन इवन जीरो इज ऑल्सो वन कोई भी नंबर की जीरो पावर हो तो आंसर क्या मिलेगा वन मिलेगा भाई क्लियर है स्टूडेंट्स ओके नेक्स्ट रूल इज फिफ्थ रूल यहां पे वन रेस्ट टू जीरो होगा तो भी वन ही हो, one हो, होगा आंसर चलो नेक्स्ट रूल ए रेस टू एम मल्टीप्लाई बी रेस टू एम अब यहां पे ध्यान से समझना ये रूल को दोनों का बेस अलग अलग है लेकिन दोनों की पावर देख सकते हो अब क्या है सेम है बेस डिफरेंट है बट पावर क्या है सेम जब ऐसा केस हो तो यहां पे देखो ब्रैकेट में जो बेस है उसका मल्टीप्लाई कर दिया और एक बार कॉमन पावर लिख दी फॉर एग्जाम्पल टू रेस टू थ्री मल्टीप्लाई फाइव रेस टू थ्री यहां पे देखो दोनों का बेस कैसा है डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है तो हम क्या करेंगे बेस का मल्टीप्लाई कर देंगे भाई और कॉमन पावर लिख देंगे थ्री चलो टू फाइव टेन रेस टू थ्री इज इट क्लियर चलो नेक्स्ट सिक्स नंबर का रूल ए रेस टू एम डिवाइड बाय बी रेस टू एम यहां पे भी बेस अलग अलग है बीच में डिवाइड की साइन है और पावर कॉमन है तो इसको भी ऐसे करेंगे हम टू रेस टू फाइव डिवाइडेड बाय थ्री रेस टू फाइव तो यहां पे देखो पावर सेम है बट बेस कैसा है अलग अलग तो बेस का डिवीजन करेंगे तो टू अपॉन थ्री रेस टू फाइव अगर यहां पे कटिंग होता हो तो करने का नहीं तो ये ऐसा ही फॉर्म में हम लिख देंगे तो ये जो पावर के फॉर्म में हम लिख रहे उसको हम कहते हैं एक्सपोनशियल फॉर्म दैट यू आर नोइंग जो हमने लास्ट वीडियो के अंदर स्टडी किया है तो ये छे के छह रूल आपको स्टूडेंट्स अच्छे से याद होंगे तो ही हम आगे एक्सरसाइज या सम सॉल्व कर पाएंगे कौन से रूल्स है पहला रूल क्या कहता है कि अगर दोनों का बेस सेम है और बीच में साइन मल्टीप्लीकेशन की है वापिस बेस सेम और साइन मल्टीप्लीकेशन तो पावर का क्या करना है प्लस हर एक के रूल के लिए मैंने एक एग्जाम्पल दिया है ठीक है सेकेंड रूल सेज दैट इफ बेस आर सेम एंड द साइन इज ऑफ डिवीज़न साइन किसकी है डिवीजन की है तो पावर का क्या करेंगे भाई माइनस करेंगे क्या करेंगे भाई माइनस क्लियर स्टूडेंट्स अगर बेस सेम है और बीच में डिवाइड की साइन है तो पावर का क्या करना है माइनस करना है क्लियर थर्ड रूल अगर पावर की भी पावर हो क्या हो पावर की भी पावर हो तो हम पावर का मल्टीप्लाई कर देंगे यहां पे आप देख सकते हो मैंने एग्जांपल दिया है कि टू रेस टू थ्री रेस टू फोर पावर की भी पावर है तो मैंने पावर का दोनों का क्या कर दिया है मल्टीप्लीकेशन क्लियर द फोर्थ नंबर रूल इज ए रेस टू जीरो मतलब कोई भी नंबर की जीरो पावर कोई भी नंबर की जीरो पावर हो तो आंसर हमेशा वन ही लिख देना है चाहे फाइव रेस्टू जीरो हो हंड्रेड रेस्ट टू जीरो हो तो भी वन आएगा इवन थाउजेंड रेस्ट टू जीरो हो तो भी वन आएगा मतलब कोई भी नंबर हो कोई भी नंबर हो उसकी जीरो पावर यानी आंसर में हम लिख देंगे सिंपली वन लिख देना है स्टूडेंट्स राइट फिफ्थ नंबर का रूल ये कहता है कि अगर दोनों बेस डिफरेंट है बट पावर सेम है और बीच में साइन कौन सी है मल्टीप्लीकेशन की तो हम क्या करेंगे जो बेस है उसका मल्टीप्लाई कर देना है और कॉमन पावर लिख देनी है फॉर एग्जाम्पल देखो यहां पे मैंने एग्जाम्पल दिया है टू रेस टू थ्री मल्टीप्लाई फाइव रेस टू थ्री दोनों नंबर का बेस कैसा है अलग अलग बट पावर कॉमन है तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा टू मल्टीप्लाई फाइव रेस टू थ्री क्लियर सेम वे सिक्स नंबर का क्वेश्चन रूल ए रेस टू एम डिवाइड बाई बी रेस टू एम दोनों बेस अलग अलग है लेकिन पावर क्या है सेम और बीच में साइन कौन सी है डिवाइड की तो बेस का हम डिविजन करेंगे और कॉमन पावर लिख देंगे एम क्लियर सो दिस ये जो छह रूल है वो अच्छे से आपको याद करने हैं लर्न करने हैं और इसके बेसिस पे हम आगे एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे सो लेट अस स्टार्ट with the first question of exercise 13.2 using laws of exponent simplify and write the answer in the exponential form exponential form matlab मतलब power ke form mein likhna hai aapko theek hai chalo solve it out with the first question 3 raised to 2 multiply 3 raised to 4 multiply 3 raised to 8 chalo pehle question mein aap dekh sakte ho students sabhi का बेस कैसा है सेम है और सबके बीच में साइन मल्टीप्लाई की है तो ये कौन सा रूल लगेगा रूल नंबर वन सबका बेस सेम है तो पावर का क्या कर देंगे प्लस तो टू प्लस फोर प्लस एट यानी थ्री रेस टू फोर्टीन दिस इज आंसर ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमने आंसर लिख दिया सिंपल है क्लियर चलो सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है सिक्स रेस टू फिफ्टीन डिवाइड बाई सिक्स रेस टू टेन दोनों का बेस कैसा है सेम बीच में साइन कौन सी डिवाइड चलो तो ये कौन सा रूल अप्लाई करेंगे सेकंड नंबर का तो बेस सेम हो और बीच में साइन डिवाइड की हो तो पावर का क्या होगा भाई माइनस सिक्स रेस टू फिफ्टीन माइनस टेन यानी सिक्स रेस तो टू फाइव दिस इज द आंसर इज इट क्लियर चलो थर्ड नंबर का क्वेश्चन ए रेस टू तो थ्री मल्टीप्लाई ए टू टू बेस सेम बीच में मल्टीप्लाई तो पावर का क्या कर देंगे भाई प्लस तो ए रेस टू थ्री प्लस टू यानी ए रेस टू क्या हो जाएगा फाइव ओके क्वेश्चन नंबर फोर सेवन रेस टू एक्स मल्टीप्लाई सेवन रेस टू टू तो यहां पे दोनों का बेस सेम है बीच में मल्टीप्लाई है तो पावर का क्या करेंगे प्लस अब इसका आगे कुछ नहीं होगा तो ये हो गया आंसर अपना क्लियर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव फाइव टू टू रेस टू थ्री डिवाइड बाई फाइव रेस टू थ्री देखो सपोज इतना ही दिया है तो यहां पे देखो पावर की भी पावर है स्टूडेंट्स तो सबसे पहले इसको सॉल्व करें चलो पावर की भी पावर हो तो इन दोनों का क्या करते हैं हम मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई थ्री यानी सिक्स हो जाएगा डिवाइडेड बाय फाइव रेस टू थ्री अब इधर देख सकते हो आप पावर दोनों का बेस सेम है बीच में साइन डिवाइड की तो पावर का क्या करेंगे हम भाई माइनस तो फाइव रेस टू सिक्स माइनस थ्री Is equal to five raised to three. This दिस इज answer. आंसर क्लियर नेक्स्ट इज two raised to five. मल्टीप्लाई फाइव रेस टू फाइव दोनों का बेस अलग अलग है लेकिन पावर क्या है सेम तो बेस का मल्टीप्लाई कर देंगे और एक बार कॉमन पावर लिख देंगे टू फाइव टेन रेस टू फाइव दिस इज आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए रेस टू फोर मल्टीप्लाई बी रेस टू फोर तो यहां पे देख सकते हो दोनों का बेस अलग अलग है लेकिन पावर क्या है सेम तो हम क्या करेंगे बेस का मल्टीप्लाई और एक बार पावर कॉमन लिख देंगे फोर तो क्या लिख सकते हैं ए बी रेस टू फोर दिस इज दी आंसर नाउ क्वेश्चन नंबर एट दैट इज थ्री रेस टू फोर रेस टू थ्री पावर की भी पावर तो हम क्या करेंगे पावर का मल्टीप्लीकेशन सो थ्री रेस टू फोर मल्टीप्लाई थ्री यानी थ्री रेस टू ट्वेल्व क्लियर नाउ क्वेश्चन नंबर नाइन सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे हम किसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स ब्रैकेट को तो यहां पे टू रेस टू ट्वेंटी डिवाइडेड बाय टू रेस टू फिफ्टीन चलो बेस दोनों का सेम बीच में साइन डिवाइड की तो पावर का क्या करेंगे माइनस तो टू रेस टू ट्वेंटी माइनस फिफ्टीन एज इट इज लिख देंगे और पीछे वाला जो है उसको एज इट इज चलो टू रेस टू ट्वेंटी में से फिफ्टीन जाएंगे तो फाइव मल्टीप्लाई टू रेस टू थ्री अब ये दोनों का देख सकते हो स्टूडेंट्स दोनों का बेस कैसा है सेम और बीच में मल्टीप्लाई की साइन है तो पावर का प्लस कर देंगे तो टू रेस टू फाइव प्लस थ्री यानी टू रेस टू एट दिस इज दंसर लास्ट क्वेश्चन दैट इज एट रेस्ट टू टी डिस्ट टू टू दोनों का बेस सेम है बीच में साइन डिवाइड की है तो पावर का क्या करेंगे माइनस सो so, इसके आगे कुछ नहीं होगा सो दिस इज क्वेश्चन नंबर वन समझ में आ गया होगा सो जस्ट लाइक दिस वीडियो शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल इफ यू आर मी ऑन दिस चैनल थैंक यू